बन जाते हैं बिगड़े काम, बन जाते हैं बिगड़े काम, दिल से बोलो जय साईं राम, जय साईं राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे। मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम आपको बाबा के दरबार में स्थापित बाबा के भक्तों की समाधियों के दर्शन कराएंगे। जी हाँ, ये वही भक्त थे जिन्होंने बाबा के साथ, साईं बाबा के जीवन काल में बाबा के साथ थे। बाबा के हर परिस्थिति में, हर काम में, वह हर समय बाबा के साथ रहते थे। उन सब की कहानी जो एक एक करके कि आखिर उन लोगों ने कैसे बाबा से जुड़ा और कैसे बाबा का उनको अहो भाग्य, मतलब उनको चमत्कार साक्षात्कार हुआ और कैसे बाबा ने उनके जीवन में खुशियाँ लाई, इन सभी बातों और उन सब के ऊपर हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे। तो आज हम आपको बाबा के भक्तों की समाधि दिखाएंगे। मैं खड़ा हूँ साईं बाबा सेवा आश्रम, जी हाँ, करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 1972 से बाबा का एक अनोखा दरबार जो कि स्थापित है। और यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा के पूरे प्रतीक स्थापित है। यहीं पर बाबा की अखंड धुनी व अखंड ज्योत जल रही है, जिसके हम हर पल आपको दर्शन कराते रहते हैं। समय मिलेगा तो हम इस वीडियो में भी आपको बाबा के द्वारिका माई और बाबा के समाधि मंदिर के दर्शन जरूर कराएंगे। और आपको यह भी बता दें कि इस दरबार पर जो मेरे पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये लेडी बाग उद्यान है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, ये पूरा मंदिर का कैंपस है। वो पीछे में जो दिख रही है आपको, वो है बाबा की द्वारिका माई। जी हाँ, ये सत्संग हॉल, सामुदायिक भवन भी है। और ये जो पीछे का जो इतना एरिया है, यहाँ पर चलता है बाबा का भंडारा। अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं पीछे में लेबर भी बैठे हुए हैं, अभी लंच है। तो यहाँ पर बाबा का भंडारा चलता है और बृहद स्तर में भक्त लोग आते हैं बाबा के भंडारे का प्रसाद खाने। और यहीं पर हम जो खड़े हैं, जहाँ पर यहीं हमारे पीछे में स्थापित है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो एक बार दिल से कमेंट में जय श्री राम जरूर बोले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि वीडियो की शुरुआत अच्छी हो और बाबा का आपके ऊपर अपना जो बाबा की कृपा है वो आप सभी पर बनी रहे। यही आशा, यही विश्वास लेकर हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं साईं बाबा के चमत्कार, बाबा के दरबार में होने वाले हर चमत्कार और बाबा के भक्तों के ऊपर किए गए बाबा की कृपा और बाबा के भक्तों की महिमा को लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अब हम आपको बाबा की समाधि मंदिर के पीछे लेडी बाग उद्यान है वहाँ पर स्थापित है बाबा के भक्तों की समाधि, जो कि कॉपी मतलब हूबहू बनाया गया है। शिरडी में आप जाते होंगे लेडी बाग उद्यान पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अब्दुल भाई की भी समाधि है और तात्या पाटिल की भी समाधि है, महालसापति सुनार की भी समाधि है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में साईं बाबा की सेवा में गुजारा था। और जब बाबा ने उन पर अपना चमत्कार किया था, उनके ऊपर अपनी अपार की कृपा की थी, तो वह तब से लेकर जीवन के अंत तक बाबा के श्री चरणों में थे और बाबा के आदेशों का पालन करते थे। उसके बाद हम आपको बताएंगे अगले वीडियो पे कि जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप श्याम सुंदर घोड़ा, आखिर ये कौन था श्याम सुंदर घोड़ा और कैसे शिरडी पहुंचा और क्या थी इसकी कथा, क्या थे इसके चमत्कार। इन सभी को हम एक एक करके हर दिन कोशिश करेंगे आपको बाबा के दरबार शिरडी से जुड़ी हर जानकारी लगातार देते रहेंगे और एक एक तथ्य को हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। क्योंकि मैं लाइव वीडियो पे हूँ और थोड़ा हो सकता है हड़बड़ाहट में शब्द ऊपर नीचे हो जाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप देख सकते हैं मैं तो लेडी बाग उद्यान पे ही हूँ, आपको बताया ना, यहाँ बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है और यहाँ पर स्थापित है शनि सिंगनापुर के तर्ज पे शनि महाराज, इसकी भी गाथा बताएंगे। आखिर यह मंदिर, यह शनि देव का मंदिर यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ, तो उसके में पीछे में आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, उसके बारे में भी बताएंगे कि वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर क्यों बनाया गया, आखिर वहाँ पर पहले क्या था ऐसा कि उसकी जगह उसे बनाया गया। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा के भक्तों की समाधि की ओर। तो देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे पे एक दो तीन तीन समाधि जो बनी हुई है। सबसे पहली समाधि है महालसापति सुनार की। जी हाँ, महालसापति सुनार वही है जो कि खंडोबा मंदिर का पुजारी था और जिन्होंने बाबा को साईं नाम का संज्ञा दिया था और तब से बाबा का नाम साईं पड़ा था। जी हाँ, जब बाबा चांद भाई पाटिल की बारात के साथ शिरडी पधारे थे तो सर्वप्रथम बारात को खंडोबा मंदिर के प्रांगण में रोका गया था और महालसापति जी खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। जब वो बाहर आए, जब उन्होंने बाबा को देखा तो आओ साईं कहकर संबोधित किया था, तब से साईं का नाम साईं पड़ा था। तो सर्वप्रथम जो समाधि थी वह थी महालसापति सुनार की।
और जो दूसरी समाधि है वह तात्या पाटिल की थी। जी हाँ, तात्या पाटिल वह था जिनकी जो माँ थी बायजा माँ। जी हाँ, बायजा माँ को आप जानते होंगे कि जिन्होंने 16 साल तक बाबा को जंगल में जाकर रोटी खिलाया था और गुरु स्थान पर भी खिलाया करता था, और अंत तक बायजा माई बाबा की भक्त बनी थी और बायजा माई को ही साईं बाबा बहुत मानते थे, और इस कारण तात्या पाटिल भी बाबा को बहुत मानते थे। तो ये तात्या पाटिल की समाधि है। और जो ये तीसरी समाधि है अप्पा भाई जांगले की है, जो कि बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जिन्होंने भी बाबा के सेवा में अपना पूरा जीवन गुजारा था। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी। अब हम लगातार मतलब इन तीनों समाधि जिनकी है भक्तों की है, अप्पा भाई जांगले, महालसापति सुनार और तात्या भाई पाटिल, आखिर इन लोगों ने कैसे बाबा से इतना लगाव क्यों था, क्यों आखिर इन लोगों ने बाबा पर अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, इन सभी को हम एक एक करके आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए तो इतना ही, पर लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बाबा की द्वारका माई से और बाबा की समाधि मंदिर से भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए अब मैं चल रहा हूँ और आप लोगों को बाबा की द्वारका माई में लेके चलता हूँ, और उसी के सामने में स्थापित है साईं बाबा की समाधि मंदिर। तो चलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबा की द्वारका माई में। जी हाँ, और हम द्वारका माई में अंदर जा ही रहे हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो ये बाबा की द्वारका माई है। तो सर्वप्रथम बेल मतलब घंटा बजा दिया जाए। तो कैसा लगा आप लोगों को बाबा के द्वारका माई के दर्शन करके, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर बाबा की अखंड धुनी, बाबा की अखंड ज्योत निरंतर प्रज्वलित है। आप लोगों से यही आग्रह कि आपके जीवन में कोई कष्ट, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो बाबा की द्वारका माई के लिए, बाबा की अखंड ज्योत के लिए तेल का दान जरूर करें। और ये आप देख सकते हैं, ये जल रही है बाबा की वह अखंड धुनी जो कि निरंतर प्रज्वलित रहती है। ये देखिए जल रही है और इसकी विभूति करते हैं बहुत ही चमत्कार। वीडियो कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो हम कोशिश करेंगे हर दिन आप लोगों को बाबा के दर्शन कराएं। यह से अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तभी हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहीं पर है ये बाबा की मतलब पालकी, और ये जो घंटा है बेल घंटा है ख़राब हो गया, मतलब पूजा घंटी है, इसे बनवाना है। और ये है बाबा का वह चूल्हा जिसमें बाबा गरीबों को भोजन कराते थे, और ये बैठे हुए बाबा शिला पर। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाबा की समाधि मंदिर के दर्शन अब हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, ताकि आप पर बाबा अपनी अपार कृपा बनाए रखे। तो ये बाबा की द्वारका माई थी, और भक्तों के बारे में आप लोगों को कैसा लगा यह भी आप ज़रूर बताइएगा। आप सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि सर्वप्रथम आपको इस चैनल के वीडियोस प्राप्त होते रहें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम।